तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर स्टेट को भी मैनेज कर दिया था। अभी हमारी एप्लीकेशन में एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर यहाँ पे आप मल्टीपल टास्क को ऐड करेंगे, जैसे कि पटेक्स में रैंडम वैल्यूज यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कितने भी जो है वन वन प्रेस कर देता हूँ, और अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो एक टाइम के बाद में यहाँ पर ये लॉक हो रहा है। लॉक का मतलब क्या है कि नीचे का जो भी कंटेंट है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो नीचे के कंटेंट को देखने के लिए हमको जो है स्क्रॉल इफेक्ट को हमारी एप्लीकेशन में एनेबल करना पड़ता है। अब स्क्रॉल इफेक्ट कैसे हम इसमें ऐड करेंगे, तो स्क्रॉल का कंपोनेंट हमको रिएक्ट नेटिव में मिलता है। पहले शुरू मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको बता देता हूँ। चलते वापस रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर। यहाँ पर आप जाएंगे डेवलपमेंट में और फिर कंपोनेंट्स, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा स्क्रॉल व्यू। तो स्क्रॉल व्यू कैसे काम करता है यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। पहले शुरू हम इसका यूज करेंगे, उसके बाद में फिर इसका अल्टरनेट भी हम देखेंगे। अगर आपको स्क्रॉल यूज करना है तो सबसे पहले आपको इसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर उसको ओपनिंग क्लोजिंग टैग की तरह यूज करेंगे, और जो भी टेक्स्ट है यानी जो भी कंटेंट आपका बीच में है उसको आप यहाँ पर स्क्रॉल व्यू के बीच में ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। चलते वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, एमुलेटर साइड में ओपन रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्रॉल व्यू को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्रॉल व्यू, देखिए ऑप्शन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर इस व्यू के बाद में स्क्रॉल व्यू का इस्तेमाल कर लेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। और इसके बीच में आपको क्या करना है, जो भी आप इटरेट कर रहे हैं ना वैल्यू उसको यहाँ से कट करके हम इसके बीच में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको। तो जैसे हमने सेव किया ना, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए स्क्रॉल का फीचर हमारी एप्लीकेशन में एनेबल हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जितना भी कॉन्टेंट है उसको स्क्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, मान लीजिए आपके पास जो है एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी ये जो आइटम्स है ना, जो टास्क है आपके पास, उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, तो फिर जितनी बड़ी लिस्ट रहेंगी ना स्क्रॉल करने में उतना टाइम जा सकता है, क्योंकि इसमें लेजी लोड का फीचर नहीं होता है। लेजी लोड आपको पता होगा, जितना कंटेंट हमको चाहिए उतना ही स्क्रॉल पे वो डिस्प्ले कराएगा या फिर रेंडर कराएगा। अगर कंटेंट लिमिटेड है तब आप क्या करेंगे स्क्रॉल व्यू का यूज करेंगे, नहीं तो इसका अल्टरनेट आता है फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट कैसे यूज करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे, मगर आप इतना प्रैक्टिस करके रखिए। हम क्या कर सकते हैं स्क्रॉल के फीचर के लिए जो है स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल अगर आपको ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना है तब आप जो है स्क्रॉल व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास लिस्ट है या फिर जो है डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है और आपको नहीं पता कितना बड़ा डेटा है, तब आप जो है फ्लैट लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।